मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। ये नवा विवाद खड़ा होया है सरावां ते केंद्र सरकार वालों लगाई गई 12% जीएसटी मगरों। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों माता भाग कौर निवास, बाबा दीप सिंह निवास ते एनआरआई निवास की सांभ संभाल की जाती है। इन्हां सरावां ते ही जीएसटी लगाए जाने की खबर मगरों चार चुफेरों इस फैसले नूं लैके प्रतिक्रियावां आ रही ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार वालों दरबार साहब के नेड़े स्थित सरावां ते 12% जीएसटी लगाउण दे फैसले की सख्त निंदा करता हाँ। धर्म स्थान सब दे सांझे हुंदे ने, ये टैक्स श्रद्धालुओं की श्रद्धा ते लगाया गया है। केंद्र नूं अपील है कि तुरंत इस फैसले नूं वापस लिया जाए। उधर संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने भी इस मुद्दे ते लिखिया, उन्हें कहा कि इस फैसले नाल सिख भाईचारा हैरान है। गुरु घर दे दरवाजे हर धर्म हर वर्ग लई 24 घंटे खुले रहिंदे ने। राहगीरां लई सरावां ते श्रद्धालुआं लई लंगर दा प्रबंध हर समय मिलता है। ये सिख धर्म दी एक विलक्षण रिवायत भी है। केंद्र सरकार वालों सरावां उपर 12% जीएसटी ला देना उस जालम हुकूमत मुगल हुकूमत दे लाए हुए टैक्स जजिया नूं याद कराउंदी आ। सो असीं मंग करदे आ कि गुरु घरां दी सरावां उपर यह जिहड़ा जजिया केंद्र सरकार वालों लाया गया यह वापस लिया जाए ताकि चंगा सुनेहा संगतां देश और दुनिया दे विच जा सके। इस मुद्दे ते भाजपा दे बुलारे हरजीत सिंह गरेवाल भी बोले, प्रधानमंत्री जी गुरु घरां दे लई सब तो ज्यादा अगर श्रद्धा रखते हैं तो गुरु घरां दे लई रखते हैं और खुद जाके नतमस्तक होंगे। ये गुरु नानक देव का सेवा ते सिमरन का सिद्धांत है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस करके ये आदेश जिहड़ा जल्दी ही सरकार इनू करैक्ट कर देगी। ये अधिकारियों की जां बाकी लोगों की गलती है जिहदे च इह होया। दरबार साहब के उपर ही होना बड़ी मैं समझना किसी अधिकारी की गलती है, वह भी मंदभागी गल आ, ते उहदे लई असी माफ़ी भी चाहते हैं और इस नूं वापस भी सरकार लेगी। SGPC ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ BBC ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ GST ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। GST ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ GST ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੈ।